Hey guys, I'm Shraddha and welcome back in my channel Shraddha Singh Law. और आज का जो वीडियो है वो है हल्दी स्पेशल. तो आज है एक्चुअली विकास की हल्दी और सुबह का टाइम है. अभी तो जस्ट उठे हम लोग, चाय वाय पिया जस्ट, तो बहुत सारा काम करने को है, छोटी छोटी रस्में करने को है, मम्मी की हेल्प करना है, खुद तैयार होना है, सबको रेडी करना है, हल्दी लगाना है अपने भाई को, जो मुझे मतलब पता नहीं कब से मैं सोच के रखी थी मेरे भाई की शादी होगी, मैं उसे हल्दी लगाऊंगी. तो इतनी खुशी है मुझे कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कितनी ज्यादा खुशी हो रही है मुझे. तो फिर चलिए फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ब्लॉग को. आपको सुबह से अब जो जो होने वाला वो मैं आपको दिखाती जाऊंगी और उसके बाद फिर विकास को हल्दी लगेगी, फिर हम लोग रेडी रेडी तो पहले ही हो जाएंगे ऑब्वियसली, और उसके बाद विकास को लगेगी हल्दी. तो चलिए फिर ज्यादा बातें नहीं करते हैं, डायरेक्टली चलते हैं सुबह के जो जो काम होने हैं उस लाइन पे, ताकि जल्दी जल्दी सब कुछ फिनिश हो सके. और चाय पी लिया है और उसके बाद फिर देखते हैं. और मैं पहले ही बोल दूं, पता नहीं आगे इतनी ज्यादा टाइम की कमी है कि टाइम मिले ना मिले. वीडियो को प्लीज गाइज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि श्रद्धा सिंह लॉ पे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे. तो चलिए फिर फटाक से स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग. हल्दी में क्या क्या होना है, क्या क्या हम लोग करेंगे, और खूब सारी मस्ती, धमाल, डांस और बहुत सारा मजा करेंगे. तो प्लीज लास्ट एंड तक बने रहिए, आपको भी बहुत मजा आएगा. यहाँ मेरी मम्मी कुम्हार आया हुआ है मिट्टी के बर्तन लेके, लाइक दिया और कलश और बाकी चीज़ें, तो उसको परछ रही हैं. और इसके बाद इसको जो भी लोग आएंगे सब लोग नेग वगैरह देंगे, शुभ करेंगे. तो ऐसे कई लोग आए थे जिसको परछ के उसको नेग और बाकी चीज़ें देनी थी जो शादी में काम आता है, तो वो सब हुआ. और उसके बाद फिर से सजावट वाले आ गए, फूल वाले. तो स्पेशली क्योंकि फ्रेश फ्लावर्स हैं, तो ये बोला गया था कि हल्दी के दिन आना, ताकि ये फूल ख़राब नहीं हो. ठंडी है तो ज़्यादा दिन थोड़ा चल भी जाएगा, तो इसलिए ये लोग मॉर्निंग में आए हैं और अपना डेकोरेशन कर रहे हैं आंगन का पूरा, हल्दी और जो भी दूल्हा सजाएंगे उसके लिए. तो काफ़ी अच्छा लगता है ना गेंदे का फूल. आई थिंक शादी हो या कुछ भी, गेंदे के फूल के बिना इनकम्प्लीट लगता है. यहाँ पे अब रस्में हो गई हैं शुरू, सब लोग नहा चुके हैं, बस तैयार नहीं हुए हैं. तो यहाँ पे कुछ चूल्हा बनाने का एंड जलाने का रस्म होता है, तो वो मम्मी कर रही हैं मेरी. तो यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ येलो कलर के ड्रेस में एंड वही ज्वेलरी जो लास्ट वीडियो मैंने दिखाया था, ऑनलाइन परचेज किया था मीशो से. आप चाहे तो उसका लिंक मांग सकते कमेंट करके. तो यहाँ मेरा क्वेछा पूजा जा रहा है और इसके बाद मैं कलश गोटने की तैयारी शुरू कर दूंगी. तो मेरा क्वेछा पूजा गया है, मैं जा रही हूँ कलश गोटने. इसके बाद जो मंत्री पूजा होती हल्दी की वो स्टार्ट होगी. तो मैं तो पीले पीले में आ गई हूँ कलश घोटने, बाकी बहनों का वेट कर रही हूँ. कहाँ है सब लोग? कपड़ा पहन रही है. बड़ी लेट आज 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 लाइट खराब हो गया था, पानी नहीं था, इसलिए बहुत लेट हो गया ये भी आप लोग जान लीजिए. तैयार है शादी वादी में इतना तो ऊपर नीचे हमेशा. तो यहाँ पांच बहने मिलके मैं कलश गोट रही हूँ और ये कलश गोटने के बाद पूजा में रखा जाएगा वेदी पर, और उसके बाद जो पूजा होती है हल्दी लगने से पहले वो शुरू होगी. तो कलश गोटने के बाद मैं कोहबर बनाने, कोहबर लगाने गई हूँ. इसके बाद सभी गाना बजाना हो रहा है ढोलक के साथ. तो ये देखिए मैं यहाँ पे कोहबर लगा रही हूँ. तो ये रेडीमेड कोहबर आते हैं चार्ट वाले, तो मैंने वही परचेस कर लिया था और वही मैं डायरेक्टली यहाँ सब लेस वगैरह लगा के डेकोरेट करके इसको लगा रही हूँ, बना रही हूँ. तो दीदी अभी अभी कलश गोट के आ रही हैं, वहां से ढेर सारा पैसा कमा के बहुत खर्चा भी करने वाली हैं, और यहाँ कल की व्यवस्था हो रही है, कोहबर लिखने जा रही है. और पैसा बटोरने की तैयारी तैयारी हो रही है. तो इनका एकदम फुल एकदम लग रहा है कि इनके ऊपर लक्ष्मी की बरसात हो रही है, अकाउंट खोलने वाले हैं. और ये दुल्हन की माँ है, ये बरसात करने जा रही है पैसों की. थैंक यू आंटी जी, थैंक यू. ये मुझे मिलाई है सीता ने. हाँ ये लो ये सीता को. तो दीदी का इनकम काफी तगड़ा होने वाला है शादी से.
खुद तो खर्चा भी करेंगे किसे अकाउंट में रखेंगे, अब यहाँ पूजा शुरू हो गई है जिसको मंत्री पूजा भी बोलते हैं। तो यहाँ मम्मी पापा यानी दूल्हे के मम्मी पापा बैठते हैं, पूजा करवाते हैं, हवन करवाते हैं, और उसके बाद एक और रस्म होती है सिल पोहने की रस्म होती है, मतलब उसमें उड़द दाल को सिल पे बनाया जाता है, तो बनाया नहीं जाता है एक्चुअली, उसको पीसा जाता है या राइट। तो उसके बाद फिर हल्दी लगने की रस्म जो है शुरू होती है। तो ये पूजा होने के बाद वही रस्म होने वाली है, तो वो रस्म के बाद फिर हल्दी लगना शुरू होगा। ये है हल्दी की प्लेट जो मैंने डेकोरेट की है। अभी यहाँ पे हल्दी लगने जा रहा है और पूजा खत्म हो गई है, और ये है हल्दी की प्लेट और बाकी सारा डेकोरेशन शाम हो गया है, तो अब बस फाइनली हल्दी लगने वाला है। इसके बाद हल्दी का कार्यक्रम फिनिश होगा और हम लोग खूब सारी मस्ती करेंगे डांस करके। सृष्टि का डांस है वो, तो दूल्हे को अब ये पूजा वाला रूम है, पहले मेरा रूम था जो कि अब पूजा वाले रूम में कन्वर्ट हो चुका है। आफ्टर मैरिज विकास की फिर से मेरा रूम हो जाएगा। तो यहाँ से अब विकास वो हाथ में अपना चावल अक्षत लेके निकल रहे हैं और आके बैठेंगे यहाँ पे। और क्या होता है कि हमारे यहाँ जो तिलक आया था, तो तिलक मैंने बताया था उस वीडियो में भी कि हमारे यहाँ तिलक चढ़ता नहीं, वो हल्दी वाले दिन चढ़ेगा। तो अभी इस टाइम मेरे मामा हैं जो कि तिलक वाली जो थाल है जो बहराइच से आई थी काजल के घर से, उसको आज यहाँ विकास के हाथ में देंगे। तो हमारे यहाँ तिलक आनी है तो आज आती है, बट चढ़ता नहीं है, वो चढ़ता आज के दिन है तिलक वाली थाल। तो वो मामा मेरे तिलक का थाल विकास को दे रहे हैं, मतलब चढ़ा रहे हैं तिलक एक तरह से। आया है सारा परिवार बना तेरे हल्दी में, आया है सारा परिवार बना तेरे हल्दी में, बना तेरे हल्दी में, बना तेरे हल्दी में, सदा स्माइल। आया है सारा परिवार बना तेरे हल्दी में, आया यार। तो टीका करने के बाद मैंने हल्दी लगाई, उसके बाद बारी बारी से सब लोग बुआ बहने भाभियाँ सब लोग आके हल्दी लगाई। हमारे यहाँ बहन पहले शुभ करती तो इसलिए मैंने पहले लगाया, उसके बाद हल्दी चूमा गया और लगाने के बाद अच्छे से छुड़ाया भी गया विकास का। तो बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया सबने, और मतलब मेरी तो मैं बहुत ज़्यादा दिल से खुश थी, क्योंकि ये तो होता ना हर बहन को कि मेरे भाई की शादी होगी, ये करूँगी वो करूँगी, तो मैंने भी ऐसे सोच के रखा था। तो हल्दी लगने के बाद यहाँ एक फैमिली ग्रुप फोटो हो रही है, सभी लोग एकदम विकास एकदम सेलिब्रिटी लाइक फील कर रहे होंगे इस टाइम। तो हल्दी लगने के बाद वापस उसी रूम में कोहबर वाले रूम में जा रहे हैं विकास, और इसके बाद ऊपर जाने के बाद सेल्फी पॉइंट जो बना था वहाँ पे हम लोगों ने खूब सारी पोज दे के फोटोज़ क्लिक करवाई, बहुत मज़ा आया। वो तो फोटो वाला ही दिखाएगा। आओ तो तुम पहले लगा दिए पहला वाला कौन लग रहा ना। हां तुम लोग आओ 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 अच्छा आज आज फिर हम सब ने डांस करना हम कैसे भूल सकते हैं, तो एंजॉय इसके बिना तो इनकम्प्लीट है। तो हम लोगों ने फिर से सारी बहनें जितने थी सबने बहुत इन्जॉय किया, मेरी देवरानी जो संजना वो भी बहुत इन्जॉय की, और आप सब देख सकते हैं क्या हम लोग बहुत ही ज़्यादा मज़े कर रहे हैं, कोई थकान वकान नहीं, बिल्कुल जोश चढ़ा हुआ है। और ठंड तो किसी को लग नहीं रही, हालांकि ये जनवरी के मौसम की बात है, बट किसी को ठंड नहीं लग रही है। ये मेरी सेकेंड नंबर की मामी हैं, और ये भी हल्दी वाले दिन ही आई, और हम लोग ने
किसी को छोड़ा नहीं, तो मामी को कैसे छोड़ सकते थे बिना डांस कराए। तो मामी भी बेचारी डांस कर रही हैं। ये मेरी बड़ी मामी हैं जो रेड स्वेटर में हैं, और फिर सब ने ग्रुप में बहुत सारा मस्ती किया। और मेरी मम्मी किसी को भी मस्ती करने से रोक नहीं सकती, मतलब कि चूकने नहीं देती। अगर कोई चाहे भी कि मैं आराम से बैठ जाऊँ, मम्मी उसे बैठने नहीं देती मेरी। तो हम सब ने डांस किया, मौसी ने, सब ने बहुत बहुत मज़ा आया। जो नहीं करता था डांस उसने भी किया। इधर ये सब हम लोग मस्ती धमाल कर रहे थे, और उधर बाहर पटाखे फोड़े जा रहे थे। तो अभी सब कुछ होने के बाद रात में होता है रत जगा, गाने वाने गाए जाते हैं, और लावा भूजने का काम होता है, लावा भुना जाता है। तो वो बुआ करती हैं या मैं, तो मेरी बुआ नहीं है, मैं बड़ी बहन हूँ, तो सारे काम मैंने किए हैं, तो ये भी काम मैं ही कर रही हूँ। और इसमें भी नेक मिलता बहुत सारा। तो हल्दी के दिन जितनी खुशी थी वो तो थी ही भाई की शादी की, बट इतनी जगह जगह नेक मिले हैं कि उसके वजह से खुशी जो है वो डबल हो गई। तो ये पूरा कार्यक्रम हो रहा, गाना बजाना और लावा भुनने का काम। और इसके बाद फिर हम लोग अब थोड़ा देर इधर उधर बात करके चाय वाय पी के फिर सो जाएंगे। सुबह बारात विदा करना है, तो बहुत काम सुबह भी है, सब कुछ अच्छे से सेट करना है गाड़ियों में, क्या रहा कुछ छूटने ना पाए यहाँ से ज़रूरी चीज़। तो इसके बाद अब हम लोग सो जाएंगे। और गाइस, लास्ट वीडियो मेरा बनाने का हिम्मत नहीं हुआ, इतनी थकान हो गई थी। मैं इसी में बोल दूं, अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक मिलते हैं कल बारात विदा करते टाइम, तब तक आप सब प्लीज़ चैनल से कनेक्ट रहें। कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, गुड नाइट, टाटा बाय।